व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे बिलियनर्स की है जो अपनी वेकेशन के लिए एक याच पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है काल नाम का लड़का जो अपने पैशन को पूरा करने के लिए एक मैगजीन कवर के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ उसे किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कैसे एक स्ट्रगलर इंसान को ट्रीट किया जाता है इस समाज में। लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के रैम शो पर जाता है, तो वहाँ पे भी उसे उसके कपड़ों से जज किया जाता है और उसे पीछे बैठा दिया जाता है और आगे सारे अमीर लोगों के लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है। अब कुछ समय के बाद जूली और वो डिनर के लिए जाते हैं। वो अपना ऑर्डर देती है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि काल बिल पे करेगा, लेकिन वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि लड़का ही बिल पे करे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दोनों बिल को स्प्लिट कर दें? पर जूली को यह बात पसंद नहीं आती, जिस वजह से वहाँ पे उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है और बहुत ही हंगामा हो जाता है। अब जूली उसे छोड़कर अपने घर आ जाती है, लेकिन आखिर में पूरा बिल तो काल को ही भरना पड़ता है, यानी कि सारी लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो दोनों टैक्सी में बैठ कर घर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ टैक्सी वाला काल से कहता है कि उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना ये लोग तुम्हें अपना नौकर बनाकर रहेंगे। अब ये बात काल को समझ आ जाती है, इसलिए वो होटल की लिफ्ट में अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ भी उन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग रूम लेना पड़ता है। लेकिन देर रात जूली उसे अपने कमरे में बुलाती है और यहाँ काल को उसे माफ़ी मांगना पड़ता है, जैसे कि वो हर बार करता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ जूली उसे कहती है कि वो उसे बस एक ही चीज़ से प्यार करती है और वो है पैसा, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और हाँ, उसे ये भी समझाती है कि वो उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो बस काल के साथ इसलिए है ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे, क्योंकि काल दिखने में अच्छा है और उसे हैंडसम लड़के पसंद है। अब ये बात काल को काफी हर्ट करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था, लेकिन जूली बिल्कुल उसका विपरीत है। अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। यहाँ मुनी में से कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लग्जरी याच में आने वाले हैं, जिसका स्टाफ आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उनकी बॉस पॉला सभी से कहती है कि हमें अपने गेस्ट की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, चाहे उनकी कोई भी डिमांड क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी करने को क्यों ना बोले, हमें वो सब करना है क्योंकि उसके बदले में हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अब उसके जैसे ही उसके स्टाफ वाले भी सारी चीज़ें करने को तैयार थे, यहाँ उसी याच में काल और जूली को भी देख, जिन्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि जूली अपने सोशल मीडिया पर इस शिप की कुछ फोटोज शेयर कर सके। बेसिकली उसकी ट्रिप को इस शिप वालों ने स्पॉन्सर किया है, और यहाँ काल यही कर भी रहा है, वो उसकी फोटोज क्लिक करता है जिसके बाद में वो शेयर कर देती है। कुछ देर के बाद जूली को एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो स्माइल करती है, और ये बात काल को पसंद नहीं आती और इसीलिए वो पॉल के पास जाकर उस आदमी की कंप्लेन कर देता है। बेसिकली वो स्टाफ वर्कर होता है, लेकिन न जाने उस समय उसके दिमाग में क्या आता है, वो पॉला से कुछ इंगेजमेंट रिंग मांगता है ताकि वो आने वाले समय में जूली को प्रपोज कर सके। लेकिन यहाँ उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिन में उनके लिए काफी खतरनाक होने वाले। वेल, वो रिंग उसकी औकात से बाहर होती है, इसलिए वो नहीं ले पाता। अब नेक्स्ट डे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी काल बस जूली की फोटोज क्लिक करे जा रहा था, जो देखकर वहाँ बैठे अमीर लोग उस पर हंसते हैं। वो बताता है कि हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया गया ताकि हम इस शिप की फोटोज शेयर कर सकें। उधर हम एक ओल्ड कपल को भी देखते हैं जो एक जर्मन लेडी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ जवाब नहीं देती, उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता और उन्हें बताता है कि एक हादसे के बाद इसकी सुनने और बोलने की शक्तियाँ चली गई है, इसलिए बस ये इशारों में बात करती है। वहीं दूसरी ओर काल देखता है कि जिस आदमी ने उसकी शिकायत की थी उसे शिप से बाहर निकाल दिया जाता है, जो देख के उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो एक मामूली सा वर्कर था और वो तो बस अपना काम कर रहा था। उसकी तरफ पहले तो जूली ने ही देखा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वेल, अब इसी तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और यहाँ काल की डिमिक्री नाम के एक बूढ़े आदमी से दोस्ती हो जाती है। वो दोनों शिप की टेरिस पर बैठकर सभी का मजाक उड़ाते हैं और उनकी चुगली करते हैं। अब तभी उन्हें एक आदमी अकेले बैठा हुआ दिखता है और वो किसी पार्टनर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसी समय उसे उन दोनों की गर्लफ्रेंड दिख जाती है, मतलब कि काल की और उस बूढ़े आदमी की, और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी चला जाता है उनसे बात करने के लिए। वो दोनों ही उसे देखकर जेलस होने लगते हैं, लेकिन वो आदमी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जूली को रोलेक्स वॉच देने का वादा करता है, जिसे सुन के वो उसके सामने ही डांस करना शुरू कर देती है। अब ये देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो सही कह रही थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है।
उधर दूसरी ओर हम पॉला को देखते हैं जो इस शिप के कैप्टन को उनके रूम से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जब से सफर पर आए हैं वो बस अपने रूम में नशे करके बंद है। अब कहानी आगे बढ़ती है और वहीं एक तरफ अब अमीर जादों की फरमाइश शुरू होने लग गई थी, तो यहाँ पर एक स्टाफ लेडी एक बूढ़ी अमीर औरत की बातें सुन सुनकर पक गई थी, लेकिन उसने फिर भी उनकी सारी बातें सुनी और उसमें जवाब भी दिया। अब लास्ट में वो बूढ़ी लेडी एक फरमाइश कर देती है कि वो चाहती है कि इस शिप पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सभी एक साथ स्विम करें। अब उसकी ये बात सुनकर पॉला परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी ये पॉलिसी है कि गेस्ट की सारी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। अब वो जितने भी लोग थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू करती है और सभी अपना काम वगैरह छोड़कर उस लेडी की विश पूरे करने में लग जाते हैं, सिवाय कैप्टन को छोड़कर। वो अभी भी अपने रूम में ही बंद है और इसीलिए उन्हें देमारिस नाम का लोको पायलट बुलाने जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आते हैं। वहीं पॉला कैप्टन को तैयार करके हॉल में लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि आज कैप्टन को सभी मेहमानों का स्वागत करना है, लेकिन वो अभी भी नशे में धुत है इसलिए वो इधर उधर डोलते रहते हैं, लेकिन पॉला उसका ख्याल रखती। और कुछ देर बाद जब अंधेरा हो जाता है सभी एक एक करके डिनर के लिए आते हैं, तब कैप्टन सभी से मीटअप करते हैं, लेकिन वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जिसका हस्बैंड कुछ दिन पहले ही मर चुका था और उसे कैप्टन में खुद का मरा हुआ पति दिखाई देने लगता है, और जिसके बाद वो उसके सामने ही रोने लगती है और उसकी अजीब अजीब बातें सुनकर कैप्टन का पूरा नशा उतर जाता है। वेल, इसके बाद अब सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं और सभी के लिए एक से एक बढ़कर डिशेज आती है। कार्ल और जूली भी एक बूढ़े कपल के साथ बैठे होते हैं, वो उन्हें हमेशा साथ रहने की नसीहत देते हैं, लेकिन वो बूढ़े कपल की खुद ये तीसरी शादी होती है। अब कार्ल उस आदमी से उसका प्रोफेशन पूछता है कि वो आखिर करता क्या है, तो वो आदमी बताता है कि मेरी हथियारों की फैक्ट्री है और मैं अमेरिका जैसे बड़े देशों को हथियार सप्लाई करता हूँ। अब ये सुनकर उसकी हवा टाइट हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है, पूरा शिप हिलने लगता है। पहले तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद सभी को मोशन सिकनेस होना शुरू हो जाती है। एक एक करके सभी उल्टियां शुरू कर देते हैं और सभी स्टाफ वाले अपने गेस्ट को संभाल लेते हैं। कुछ तो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। सभी लोगों को उनके रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन ऊपर हॉल में डिमेट्री और कैप्टन एक साथ बैठे हुए चिल करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ देर बाद जब डेमेट्री का नशा ज़्यादा हो जाता है तो कैप्टन के रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो स्पीकर पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जैसे कि मैं कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, मैं तो केवल गोबर बेचता हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लग गए थे, लेकिन जब उसने उन्हें बताया कि कुछ ही समय के बाद शिप डूबने वाला है, तो सभी लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिप अभी भी हिल रहा था। पूरे शिप पर जिसको जहां भी जगह मिल रही थी वो वहीं बैठ गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टाफ के लोग उन मेहमानों की गंदगी को साफ करने में लगे थे। कुछ ही समय के बाद हमें उन अमीर लोगों का सच पता चल गया था कि आखिर उन्हें भी हमारी तरह ही मौत से डर लगता है। उन्होंने भी पूरे शिप पे हर जगह गंदगी फैलाई थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि वो ऐसे रहते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर डेमेट्री के जाने के बाद कैप्टन स्पीकर पर कहने लग जाते हैं कि उन्हें बस दो चीज इस दुनिया में बुरी लगती है, पहली उसकी बीवी और दूसरे अमीर लोग जो कि जल्दी ही मरने वाले हैं, और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर सभी अमीर लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उधर पॉल अपने साथी के साथ स्पीकर को बंद करने के लिए जाती है, लेकिन स्पीकर तो बंद नहीं होता बल्कि लाइट जरूर चली जाती है, जिसे वो अमीर और डर जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों की बकवास बातें अभी भी चल रही थी। कुछ समय के बाद सुबह हो जाती है और तूफान भी थम चुका था। जो बूढ़े कपल थे जिनके हथियारों की फैक्ट्री थी, वो बालकनी पर खड़े होकर अपने जिंदा रहने का शुक्रिया कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान लेडी को शिप पर उन्हीं की कंपनी का ग्रेनेड मिलता है, जिसे वो अपने हस्बैंड को दिखाती है, और तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। वो फट जाता है और असल में इनके शिप पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था, उन्होंने पूरे शिप को बर्बाद कर दिया था। जब सभी की आंख खुलती है तो वो उस आलीशान शिप के बजाय एक खंडर से आइलैंड पर फंस गए थे। यहाँ इस आइलैंड पर सभी लोग एक बराबर है, ना कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन्हें अब जिंदगी क्या है वो सब कुछ पता चलने वाला है। अब सभी लोग वो दिन तो गुजार देते हैं, लेकिन जब रात आती है तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो उन्हें बहुत डराती भी है, इसलिए सभी फौरन किनारे की ओर भागना शुरू करते हैं और जैसे तैसे देर रात तक वहीं गुजार देते हैं। लेकिन सुबह उठते ही कार्ल देखता है कि उसके सामने एक बोट आकर रुकी है। वो लोग फौरन भागते हुए उसके पास जाते हैं, जिसके अंदर हम एंजेलिना नाम की औरत को देखते हैं जो उसी शिप पर काम किया करती थी। अब उस बोट पर काफ़ी खाने पीने का सामान था, इसलिए वो पॉला सबसे पहले उस सामान को बाहर देने को कहती है, तो वो दे भी देती है, लेकिन काफी देर बाद पॉला को याद आता है कि उसके अंदर एंजेलिना भी मौजूद थी, इसलिए वो दोबारा जाती है और उसे बाहर निकाल कर लाती है।
मतलब यहाँ पॉला को उन अमीरों की ज्यादा फिगर थी। अब यहाँ पर एंजेलिना जाकर मछली पकड़ कर लाती है क्योंकि पूरे आइलैंड पर एक वही शख्स थी जिसे मछलियाँ पकड़ने आती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि जो खाना उनके पास है वो कुछ ही दिनों तक चलेगा, जिसके बाद उन्हें मछलियों पर डिपेंड रहना होगा। अब रात होने पर एंजेलिना आग जलाती है जो कि उसे आती थी और उसकी लाई हुई मछलियाँ पकाती है। लेकिन यहाँ उसे समझ आ गया था कि अगर वो उन अमीर जादों के बीच में ऐसी रहेगी तो ये सब उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसी कि वो शिप पर करते थे। इसलिए वो सभी से कहती है कि मैं अब यहाँ की बॉस हूँ, जो तुम लोग खाना खा रहे हो वो मैंने बनाया है और सारी मेहनत मैंने की है। इसलिए वो अपने हिस्से में ज़्यादा खाना रखने लगी थी, लेकिन पॉला कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, शिप पर मैं तुम्हारी बॉस थी। लेकिन वो जवाब देते हुए कहती है कि कौन सा शिप, अब यहाँ कोई भी शिप नहीं है, अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब डेमेट्री को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन वो उसे भी चुप करा देती है और कहती है कि सारे आदमियों को आज बाहर ही सोना होगा और जूलिया और पॉला को मेरे साथ बोट पर आकर सोना पड़ेगा। लेकिन कुछ रात होने के बाद डेमेट्री उसे अच्छी गाड़ियों का लालच देकर अंदर चला जाता है। उधर बाहर आग के पास बैठे हुए कार्ल और नेल्सन को एंजेलिना का बैग मिलता है जिसके अंदर कुछ खाने का सामान था, जिसे वो चुपचाप निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। उसमें से टेरेसा को भी वो दे देते हैं जो कि बाहर बैठी हुई थी। अब अगली सुबह डेमेट्री को उसकी वाइफ की लाश मिलती है जो बहकर किनारे पर आ चुकी थी। वो उसे देख कर गले लगा लेता और रोने लगता है और उसके रिंग और नेकलेस को उतार कर अपने पास रख लेता है और फिर उसे पानी में बहा देता है। दूसरी तरफ एंजेलिना को पता चल चुका था कि कार्ल ने उसके बैग में से खाना चुराया, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाती है। वो अपनी सफाई देता भी है लेकिन उसकी कोई यहाँ पर नहीं सुनता। यहाँ तक कि जूली भी एंजेलिना का साथ दे रही थी क्योंकि उसकी साइड लेने में ज्यादा फायदा है, उसे ज्यादा खाना मिलेगा। अब कार्ल को सजा मिलती है कि उसे जाकर खाना ढूंढना है। वो खाना ढूंढना शुरू करता है, उसे खाना तो नहीं मिलता लेकिन एक परफ्यूम जरूर मिल जाती है जिसे लगाकर वो थोड़ा अच्छा महसूस करता है। और अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सभी लोग एंजेलिना की चापलूसी करने में लगे थे, उन्हें पता चल चुका था कि उसके आसपास रहने में ही भलाई है, लेकिन नेल्सन और कार्ल ऐसा नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। लेकिन एक रात जूली देखती है कि कार्ल और एंजेलिना के बीच में इशारों इशारों में बातें हो रही है, जिसका मतलब वो समझ जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें उसके करीब नहीं जाना है। पर कार्ल उसे समझाता है कि अगर वो यही चाहती है तो किस में क्या दिक्कत है, इसके बदले में हमें कुछ खाना तो मिल सकता है। और अगले दिन यही होता है, उन्हें कुछ खाने को मिल जाता है, पर उस दिन के बाद हर रोज यही होने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसी को लेकर वो कार्ल का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो अब यहाँ अच्छे दिन बीत रहे थे। लेकिन ये बात जूली को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे जलाने के लिए कैप्टन के करीब आने लगती है, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता और उल्टा वो ये सोचने लगता है कि उसे एंजेलिना से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी एंजेलिना तैयार नहीं थी। पर यहाँ उस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग के बीच में अब सही रिश्ते बन गए थे, सभी एक बराबर जैसा फील कर रहे थे, इसलिए सभी एक साथ शिकार करने भी जाते हैं और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती है। लेकिन एक दिन जूली एंजेलिना के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे ये आइलैंड घूमना है, तो वो साथ में कार्ल को भी चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो बस उसके साथ जाना चाहती थी, शायद उसके इरादे कुछ सही नहीं थे। अब दोनों धीरे धीरे करके उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उनकी बातें भी होती है जिसमें एंजेलिना उसे कहती है कि मैंने इस जगह पर कुछ ऐसा करके दिखाया है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। एक गरीब औरत की बातें ये अमीर ज्यादा लोग सुन रहे हैं और सारे मर्द आज उसके नीचे काम कर रहे हैं। अब ये सुनकर जूली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब एंजेलिना को यहाँ मजा आने लगा था। वो अमीरों जैसा बिहेव करने लगी थी क्योंकि सब कोई उसके नीचे काम कर रहे थे और जूली ये समझ जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेसी के पास एक अफ्रीकन बंदा आता है जो उसे कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ना वो वहाँ के लोगों को उस आदमी के बारे में बता पाएगी कि वो अफ्रीकन आदमी एक्चुअल में आया कहाँ से। जरूर आसपास कोई चीज़ होगी जहाँ से वो आया होगा। अब यही चीज़ उसे अंदर से मानना शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर जूली अचानक से चिल्लाना शुरू करती है जब एंजेलिना उसके पास जाती है तो वो उसे एक लिफ्ट दिखाती है और बताती है कि हम लोग एक लग्जरी रिजॉर्ट के नीचे ही हैं, हमें बस ऊपर जाना है। तब ये देखकर दोनों बहुत खुश थे और गले मिलते हैं, लेकिन ये एंजेलिना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसे दूर चली जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसे फिर से किसी टॉयलेट क्लीनर की जॉब करनी पड़ेगी और अगर वो यहीं रही तो इन लोगों की बॉस बन के रहेगी। लेकिन उसके बीच में अब यहाँ जूली आ गई थी इसलिए वो उसे मानने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन इतने में हम कार्ल को भागते हुए देखते हैं। शायद उसने इन दोनों को देख लिया हो या फिर उसे उस रिजॉर्ट के लोग दिख गए हो। इसके आगे कहानी हमें दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या कार्ल ने उन्हें देख लिया या फिर उसे सच्चाई पता चल गई है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।